नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हमारे साथ फिर से अवनीत त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी 2021 क्लियर किया है ऑल इंडिया रैंक 661 से। साथ ही में इन्होंने यूपी पीसीएस भी क्लियर किया है और उसमें एज अ डेप्यूटी कलेक्टर ये रिक्रूट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने दोबारा समय दिया। धन्यवाद की क्या बात है भाई, अगर एस्पिरेंट्स को मेरे इस इंटरेक्शन से अगर मदद मिलती है तो मेरे लिए अच्छी बात ही है। सौभाग्य मेरा बस आपसे बात करने को दोबारा मिला, ये भी मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये सेशन रखा ही इसलिए गया है कि अभी प्रीलिम्स को बहुत कम टाइम बचे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कम से कम 4 से 5 बार प्रीलिम्स निकाले हैं लगातार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं बट दोबारा नहीं निकाल पाते, या उनका कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है बार बार पढ़ने के बाद भी। तो मैं बस थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि किन मैट्रिक्स पे आपने काम किया कि आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ईजी हो गया बार बार। प्रीलिम्स तो ऐसा एक फेज है जिसमें मैं कभी भी बहुत श्योर नहीं हो पाता हूँ। मेरा पहला एक प्रीलिम्स रुका था, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसके बाद प्रीलिम्स नहीं रुका, बट मैं कभी भी ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाता नहीं नहीं इस बार मेरी तैयारी ऐसी कि प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। वो जब तक मैं आके क्वेश्चन पेपर मिला नहीं लेता हूँ की डिफरेंट आंसर की, तब तक मैं श्योर नहीं हो पाता हूँ कि मेरा निकल रहा है नहीं निकल रहा है। और उसका कारण ये है कि जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न और ऑब्जेक्टिव है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए उसके साथ श्योरिटी तो कभी नहीं होती है और आदमी को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि नहीं इस बार तो मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। और लगातार 2 साल से तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपका सीसैट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। बीच में थोड़ा सा वो उतना रोल नहीं प्ले करता था, सिंपल आता था, हर कोई इजीली मार्क्स स्कोर कर लेता था जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे, बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स जो निकलता है, जिनका लगातार निकल रहा है, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं या जो आसपास के मेरे लोग जो लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो उसको बार बार रिवाइज करते हैं, पढ़ते रहते हैं। दूसरा ये कि वो डाइवर्सिफाई करते हैं, बट एक अप टू एक्सटेंट, एक एक्सटेंट के बाद वो डाइवर्सिफाई नहीं करते अपने सोर्सेस को। आप 2 सोर्स रखिए, करेंट अफेयर्स का, और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत आपकी हो गई, स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी हो गई, तो ये सब चीजें जो है वो आप लेके चलिए, इससे ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई मत करिए, ये मेरा मानना होता है। उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार आप मॉक टेस्ट लगाइए, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है, उसके बिना तो आप जाइए मत, 3-4 बार लगाए बिना तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए ही मत। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हमारे प्रीलिम्स को कम टाइम है, तो क्या ये सही समय आ गया है कि हम अपने मेंस की जो तैयारी है और जो ऑप्शनल की तैयारी है उसको छोड़ के हम सिर्फ प्रीलिम फोकस कर लें, या अगर ऐसा नहीं है तो वो सही समय कब होगा? नहीं, ये दिस इज द राइट टाइम, इनफैक्ट दिस इज द हाई टाइम दैट वी शुड लीव आवर प्रिपरेशन फॉर मेंस एंड ऑप्शनल एंड वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स कंप्लीटली, बिकॉज़ प्रीलिम्स इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन। तो आप उसको तो आप पूरा पूरा 2 महीने दीजिए ही दीजिए। जैसे कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ लोग मतलब उनके अदर एंगेजमेंट्स हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, बट लास्ट के 1 महीने में कम्प्लीटली यू शुड बी प्रीलिम फोकस्ड। ऑप्शनल और मेंस तो आप छोड़ ही देना चाहिए, जो कि मतलब इनका लास्ट अटेम्प्ट, उनको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं हमने इतनी बार प्रीलिम्स निकाल लिया तो बस इस बार भी निकल आएंगे। तो प्रीलिम्स इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल और हाईली ऑब्जेक्टिव, अब अपने मन से कुछ नहीं लिख के चले आएंगे उसमें। सो अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो क्या हमें पहले स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार तब टेस्ट देना चाहिए, या हम बिना रिवाइज के टेस्ट दें देन उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आ रहा है, जो उसके सॉल्यूशन है, जो हमारी उसमें वीकनेसेस चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम रिवीजन करें? देखिए, रिवीजन तो एक बार जरूरी है, मतलब आपका एक फुल कोर्स सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप किसी मॉड्यूल का दे रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के मॉड्यूल का दे रहे हैं या ज्योग्राफी के मॉड्यूल का दे रहे हैं, तो उसका आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी का एटलीस्ट एक बार सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप टेस्ट टेकअप करिए। बिकॉज अगर आप मान लीजिए बिना रिवीजन के देंगे तो फिर अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वो सही असेसमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने रिवीजन किया नहीं है। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद अगर आप टेस्ट को टेकअप कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी कंक्लूसिव असेसमेंट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट पार्ट। ओके, बट जैसे आपने बोला कि पहले हमें रिवीजन कर लेना चाहिए तब मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है,
तो जब क्रैक हम दे लेते हैं तो क्या हमें ऐसा कुछ भी करना चाहिए कि हम जो भी हमारी गलतियां हुई उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स बनाने चाहिए और उस पर हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए, और फिर हम जिसमें अच्छा स्कोर कर लिए जिन टॉपिक पे उनको हम उतना बार बार ना देखें, ज्यादा देखें हम उसको जिसपे हमने गलतियां की हैं बार बार। नहीं, ये तो डेफिनेट सी बात है कि जिसपे आपने जो पोर्शन आपका ऐसे एंशियंट हिस्ट्री का मान लिया पोर्शन आपको लग रहा है कि कमजोर है या फिर मॉडर्न का कमजोर है, तो यू शुड गिव मोर टाइम ऑन दैट पोर्शन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो बाकी पोर्शन है उसको आप छोड़ दिए। अदरवाइज पता चला अगली बार जो मेन एग्जामिनेशन के दिन आपने जो आपके पोर्शन स्ट्रॉन्ग थे वही जो है आपका वीकेस्ट लिंक साबित हुआ। सो यू शुड बी एबल टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट योर अटेंशन टू एवरी पार्ट ऑफ द यू नो सिलेबस, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि आने वाले एग्जामिनेशन में कौन सा पार्ट इस बार डोमिनेट कर रहा है, तो वो तो एग्जामिनर को पता है, मतलब जिसने पेपर सेट किया आपको पता नहीं, तो यू नीड टू गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द पार्ट्स। अच्छा, अगर करंट अफेयर की बात करें तो पूरे साल बहुत से बच्चे करंट अफेयर पढ़े तो होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ब्रेक करके पढ़े होते हैं, तो दोनों ही अगर एस्पेक्ट में देखा जाए तो अभी करंट अफेयर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? क्या जितने करंट अफेयर हमने पढ़े हैं पूरा उठा के वापस पढ़ा जाए, या उसकी कुछ और अप्रोच हो सकती है? जैसे इस केस में मैं जैसे ओनली आईएएस का जो आपका मॉड्यूल आता है प्रीलिम्स का बूस्टर का आता है, जिसमें एक लेक्चर्स होते हैं मॉड्यूल वाइज और हैंड नोट्स होते हैं, वो मुझे ज्यादा ठीक लगता है। देखिए पूरे साल पढ़ने का मतलब है कि आप पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो, बट आप कंसोलिडेट भी तो करना पड़ेगा उसको, आप न्यूज़पेपर से पढ़ें इधर से पढ़ें उसको कंसोलिडेट करें, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप दो सोर्स उठाइए या एक ही सोर्स उठाइए और उससे कंसोलिडेट करें, तो लास्ट के 2-3 मंथ में आप पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं एफिशिएंटली अगर आपने पढ़ाई की तो। मतलब आप करंट अफेयर रिवीजन जो सीरीज आती है उसकी बात कर रहे हैं जो यूट्यूब में आती है? जी अच्छा जी अच्छा जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम वीडियो देखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, तो हमने एग्जैक्टली करंट अफेयर रिवीजन सीरीज का ही एक पीडीएफ फॉर्मेट रखा है, मैगजीन निकाली उड़ान 500+, जो कि सेम कॉन्टेंट हमने उसमें जी रखा है, तो क्या पीडीएफ फोकस्ड होकर भी पढ़ सकते हैं उसमें? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो आदमी की लर्निंग स्टाइल हर आदमी की अपनी अलग होती है। जैसे मैं जब ओनली इसको फॉलो करना शुरू किया तो मैंने ऐसे सब किया, क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो समवेयर आपके डीप कंसाइंस वो बिल्डअप होने लगती है चीजें जो पढ़ने से उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि आप उतना टेंशन जनरली लोग उतना टेंशन नहीं दे पाते और पीडीएफ बल्कि होती है, बट वो एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुरान भी अपना अच्छा खासा उन्होंने कंपाइल किया, उस कंसाइज में कंपाइल किया, तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब ऑडियो मेमोरी एक तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके अकॉर्डिंगली, तो इसलिए ऑडियो दोनों। वीडियो यस बिल्कुल, ओके ओके। अच्छा, जैसे आपने बोला कि करंट अफेयर रिविजन की आपने वीडियोस देखा, तो इसी तरीके से जैसे बहुत सारे बच्चे स्टैटिक पोर्शन को लेकर पूरे साल पढ़े होते हैं बट उसे कंपाइल नहीं कर पाते हैं, और यूट्यूब में हम कहीं भी इंटरनेट पर देख लें बहुत सारे सोर्सेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, तो क्या ये कहना उचित होगा कि इस टाइम पे अलग अलग तरह के बंडल कोर्स बनाए जा रहे हैं फ्री में और कुछ पेड कोर्स भी बनाए जा रहे हैं इस प्रीलिम्स के लिए, तो क्या उस पे स्विच करना उन बच्चों के लिए सही है जो अपने आप की पढ़ाई अपनी पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या उनको अपने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए इस 2 महीने में? देखिए ये फिर जो है वो अपने सब्जेक्टिव चीज हो गई है, अपने पर्सनल आदमी के अपने लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि भाई वो किस रूट को फॉलो करता है चीजों को समझने और सीखने और याद करने के लिए। तो मैंने तो ऐसे बंडल कोर्सेज जनरली नहीं देखे हैं, बट अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं और क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्टैटिक के लिए, करंट अफेयर्स तो ऐसा होता है कि लास्ट के 2-3 महीने में ही कवर होता है, बट स्टैटिक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने साल भर उसके लिए पढ़ाई की है, तो लास्ट में आपने जो भी नोट्स बनाए हैं जो भी हाइलाइट्स की अंडरलाइन की हैं बुक्स में स्टैंडर्ड बुक्स में, उसको अगर आप रिवाइज कर रहे हैं बार बार, मेरा ये मानना कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिवीजन होना चाहिए लास्ट के 1-1.5 मंथ में आप फुल स्टैटिक सिलेबस का। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि उसको स्टैंडर्ड बुक से ही मतलब जो आपने हाईलाइट अंडरलाइन किया उसे रिवाइज करें। ओके अच्छा, करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी जी तो लोग 1 साल का भी पढ़ रहे हैं 2 साल का भी पढ़ रहे हैं, बट वो उनकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, बट अगर बात की जाए कि हमें रिग्रेसली कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए रिग्रेसली, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर फिर से क्या नाम है यूपीएससी थोड़ा सा इनोवेटिव हुआ है, क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है आप उसको बहुत लिटरल सेंस में ना लें, करंट अफेयर्स से ज्यादा वो एक तरीके से जनरल नॉलेज है, तो वो एक एक्यूमुलेटिव होती है, मतलब आप 1 साल 2 साल में उसको बाइफर्केट नहीं कर सकते, वो 3 साल पहले से कोई चीज रही होगी वो अब रिसेंटली न्यूज में आई होगी,
सकता है आपने उसको ओवरसी कर दिया होगा, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जो आपका ओनली आईएएस का होता है, मैं काफी उसको प्रेफर करता हूँ, जो आपके जो ऑडियो लेक्चर वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यू देते हैं, ओवरव्यू देते हैं, तो उससे चीजें कवर हो जाती है टोटैलिटी। तो चीजों को समझने की जरूरत है करंट अफेयर्स में, जो न्यूज चल रही है उनको समझने की जरूरत है, उनको लिंक करने की जरूरत है डिफरेंट इवेंट से, इंसिडेंट से, रेदर देन कि हम इस पे फोकस करें कि 2 साल का कि 3 साल का। ओके okay. अच्छा, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो इस सेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हम में से बहुत एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े डायलेमा में आ जाते हैं 2 महीने पहले एग्जाम के, कि क्या ये अटेम्प्ट मेरे लिए है कि नहीं है। वो अपने आप को जज नहीं कर पाते कि किन मैट्रिक्स पे वो जज करें अपने आप को कि ये अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए कि नहीं। तो ये डिसीजन लेने के लिए वो क्या अप्रोच रख सकते हैं? देखिए, अगर आपने 8 to 9 months 10 months की एक रिग्रेस स्टडी की है, तैयारी की है, तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये अटेम्प्ट अपने आप में 1 साल का पूरा टाइम ले जाता है, एक अटेम्प्ट प्री मेंस इंटरव्यू, तो 1 साल वेस्ट करने का मतलब नहीं है अगर आपने 8, 9, 10 महीने की तैयारी की है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एग्जाम है और इसमें लक बहुत मैटर करता है, मेहनत तो एक मैटर करती नो डाउट एक थ्रेशोल्ड के बाद, लेकिन लक मैटर करने लगता है। तो अगर आपको लगता है आपने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया, आपका सफिशियंट नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप दे देना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए 1 साल, क्योंकि ये भी एक अलग एग्जाम। नहीं निकला आदमी कोई और करियर ऑप्शन ढूंढेगा, यूपीएससी सबका तो निकलता नहीं है, और जिनका निकल जाता है वो भी बहुत सारे उसको एट द एंड ऑफ द डे डाउन द लाइन 4, 5 साल, 10 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उसको लाइफ और डेथ का मैटर नहीं बनाना चाहिए कि भाई नहीं निकालना ही है तो अगले साल निकालेंगे। एग्जाम दीजिए आप, 6 अटेम्प्ट आपके पास हैं एक ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी और भी हैं, इट्स मोर देन एनफ, अगर निकलना होगा निकल जाएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन और था ये कि जैसे मान लीजिए किसी ने डिसाइड कर लिया कि अटेंड मैं नहीं दूंगा, और मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा फ्रीली हो जाते हैं माइंड से, तो अब 2023 के लिए उनको अटेंड, हाँ 2023 के लिए उनको अगर अटेंड लेना होगा, तो अब अपने आप को कैसे मोटिवेट करें उसके लिए और कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि अब सफिशियंट टाइम उनके पास होगा, उनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा अप्रोच बता दीजिए कि क्या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें आदमी फ्री हो जाता है, और जनरली आदमी परफॉर्म प्रेशर में ही करता है। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि मैंने, अगर आपने 10 महीने की तैयारी रिग्रेस की है तो आपको अटेम्प्ट दे देना चाहिए। बट इन एनी केस लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मतलब आपको लगता है फैक्टर्स हैं जो जिसके नाते आप नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आप थोड़ा सा फिर आप मेंस पॉइंट ऑफ मेंस पे जाइए, आप ऑप्शनल पे जाइए, थोड़ा वहां से शुरू करिए, क्योंकि चीजें एक्यूमुलेटिव होती हैं। ऐसा नहीं कि आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्री के ही पढ़ें, मेंस वाली भी चीजें आप जब पूरी टोटैलिटी में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मदद करती है, काम आता है, तो आप उसके लिए शुरू करिए। और लास्ट में आपका प्रीलिम्स में अगर आपको इस बार कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगली बार आप प्रीलिम्स से 4 महीने 4.5 महीने पहले से आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर दें। ओके, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और आपका मैंने समय लिया, बहुत मुश्किल समय आपने निकाला है, मैं बड़ा प्रयास कर रहा था आपसे बात करने के लिए भी। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। Anytime, anytime, Vibhav. Thank you for having a nice conversation.